बिल्कुल जगदीश जी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव परिणाम आ गए, मंत्रिमंडल बन गया, लेकिन इससे पहले जो हाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, अहम राज्य कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां पिछले कुछ दिनों से भाजपा सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, ऐसे में जोड़ तोड़ के बीच सरकार गिराने की बात करें, राष्ट्रपति शासन लागू या उसके बाद मध्यावधि चुनाव होने को लेकर आपको क्या संभावना नजर आती है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये रूलिंग पार्टी की नीयत पे डिपेंड करेगा। एक तो पहले एक धारणा हुआ करती थी इंदिरा गांधी के टाइम में, जब सरकारें हार गई लोकसभा चुनाव भी, तो कहते थे भी आप जनादेश खो चुके हैं, क्योंकि अगर आप 25 सीटों पर हारे हैं तो इसका मतलब राजस्थान में ये है आप 190 पे हार गए विधानसभा में, आपको उन्नति का अधिकार नहीं है। तो सरकारें बर्खास्त होती थी, वो परंपरा बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बदली और नहीं किया इन्होंने जो है। अब देखने की बात यह है कि इतना बहुमत आने के बाद, जो मैंने पहले कहा, क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह इनिशिएटिव लेते हैं सरकारों को गिराने का, या कि उनको उनके हालात पर छोड़ देते हैं? अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होता, भारत सरकार होती है, 356 को इनके बात से लगा ही देते हैं। दूसरी बात यह कि अगर वो आगे बढ़ के गिराने का काम नहीं करते हैं, मेरा आकलन ये है कि आगे बढ़ के भाजपा नरेंद्र मोदी कम से कम इस समय जो बड़े बनना चाहते हैं और एक नई इमेज के साथ आना चाहते हैं, नया भरोसा जनता को देना चाहते हैं लोकतांत्रिक होने का जो है, तो मुझे नहीं लगता उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव ऐसा होगा, लेकिन हालात ऐसा कर देंगे कर्नाटक है जैसे। अब 7 MLA कल कांग्रेस की मीटिंग थी वहाँ, वो नहीं पहुँचे वहाँ पे, 5-6 का डिफरेंस है, किस दिन हो जाएगा वहाँ पे, तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, राज्यपाल के सामने राष्ट्रपति शासन लगाने का विकल्प नहीं रहेगा, और फिर चुनाव करिए। तो अमित शाह नरेंद्र मोदी के नहीं चाहते भी वहाँ वो हो जाएगा जो उनको सूट करता है पॉलिटिकली इन ए वे। ऐसे मध्य प्रदेश में वहाँ स्थितियाँ हैं, वहाँ के जो हैं लीडर अपोजिशन, उन्होंने 1 महीना पहले कह दिया चुनाव परिणाम आने से पहले ही, कि गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि बहुमत में नहीं है कमलनाथ, इनसे कहें बहुमत सिद्ध करें अपना, चल रहा है वो। अब चूंकि 5-6 का डिफरेंस है समथिंग लाइक दिस, तो किसी दिन 7-8 आदमी जिधर से जा सकते हैं, अब वो कहेंगे सर हमने तो इनको तोड़फोड़ नहीं किया, खुद ही आ गए तो हम इनको क्या करेंगे, सरकार गिर जाएगी, फिर वही चुनाव। मध्य प्रदेश में एक डिफरेंस है कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में येदियुरप्पा ने कहा कि अगर सरकार गिरी तो हम मध्यावधि चुनाव कराएंगे, हम अपने बूते सरकार नहीं बनाएंगे, कोई कारण हो सकता है इसका, स्ट्रैटेजिक रीजन हो सकता है। लेकिन MP मुझे लगता है अगर सरकार गिरी तो 5-6 का डिफरेंस है, भाजपा सरकार बनाएगी, भाजपा को मुख्यमंत्री वहाँ आएगा अगर गिरी तो। अब तीसरी स्टेट राजस्थान आती है, अब राजस्थान क्या है, सबसे नीचे की स्टेज है उनके लिए, प्रायोरिटी सबसे लास्ट प्रायोरिटी है राजस्थान में। कारण क्या है, एक तो अशोक गहलोत हैं यहाँ, अशोक गहलोत अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपनी उनकी एक इमेज है, अपनी एक पकड़ है, 120 लोगों का समर्थन है उनके पास में है, स्पीकर उनका खुद का है CP जोशी यहाँ पे। बहुत मुश्किल है कि जोड़ तोड़ करके आपके पास दो विकल्प हैं, या तो 1/3 क्या है कि आप कांग्रेस के MLA 1/3 तोड़ के ले जाइए, कोई चांस नहीं है। जब सरकार बनी थी तो भाजपा के लोगों ने, मैंने सुना कि सचिन पायलट को ऑफर दिया था कि 1/3 लेके आ जाइए, ये पकड़िए चुनाव का खर्चा, मुख्यमंत्री बन जाइए, उन्होंने कहा नमस्ते थैंक यू, नहीं हुआ। अब वो स्थिति निकल गई है, अब न तो पायलट 1/3 लेके आ सकते हैं, पहले भी नहीं ला सकते, आज भी नहीं ला सकते हैं, और अब पायलट को 1/3 देके क्यों चीफ मिनिस्टर बनाएंगे वो? अब उनको करना होगा तो 10-20 के इस्तीफे करा के, अगर वो कर पाते हैं तो अल्पमत में लाएंगे, राष्ट्रीय शासन लगाएंगे, फिर नया चुनाव कराएंगे, फिर किसी गजेंद्र सिंह शेखावत, किसी राज्यवर्धन राठौड़ जिसको ठीक समझेंगे, किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो खतरा है राजस्थान में भी, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। एक तो बहुमत है यहाँ पे, दूसरा यहाँ मुख्यमंत्री की पकड़ काफ़ी मजबूत है, और फिर भाग्य किसी का देखा नहीं किसी ने कि अब तक कब क्या हो। लेकिन मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि भाजपा या खुद जो नरेंद्र मोदी हैं आगे बढ़ के इन सरकारों को गिराने की कोशिश करें। जी सर, मेरा सवाल ये है, क्या आपको ऐसा लगता है अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद काम में तेजी आएगी? काम में तेजी तब आ सकती है अगर उनका इरादा है गिराने का, तो केवल इशारा करना है इन ए वे, क्यों बहुत छोटा सा काम है कर्नाटक में गिराना, MP में गिराना कोई एक मामूली खेल है इन ए वे, राजस्थान बहुत डिफिकल्ट टास्क है मैंने आपसे कहा। तो वो अब उनके उस मूड पे और उस पे डिपेंड करेगा अंदर उनके मन में क्या है, कि क्या वो ऐसी 3 सरकारों को लागू रखना चाहेंगे जो कि आला कमान के लिए, कांग्रेस के लिए, 10 जनपद के लिए, राहुल गांधी के लिए एक सोर्स ऑफ पावर हैं, सोर्स ऑफ फिनांस हैं, क्या उसको रखना चाहेंगे, और क्या उनके प्लान में और प्रायोरिटीज़ कितनी हैं अभी, और ये काम उनके प्रायोरिटी में कहाँ स्टैंड करता है, और वो चुनाव अगर होता है कब करना चाहेंगे। अब अक्टूबर सितंबर की बात आती है तो महाराष्ट्र है, झारखंड है, हरियाणा, वहाँ चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है उनके दिमाग में कुछ ऐसा हो कि चलो एक साथ ही क्लब करके चुनाव करा लेंगे, तो हो सकता है ये गतिविधियाँ उसमें बाद में करें, 2 महीने बाद में करें वो, तो आने वाला वक्त बताएगा और उनकी मंशा क्या है उस पर काउंट होगा। और वो चाहेंगे, अगर मंशा होगी तो 356 क्या गृह मंत्रालय से लगता है, गृहमंत्री खुद अमित शाह हैं इन ए वे, तो काम फास्ट होगा, तेज अगर वो चाहेंगे तो इन ए वे। तो लेट अस सी व्हाट इज